हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू माइन डॉज। डॉज की माइनिंग कैसे होती है ये बताने से पहले आपको दो फंडे समझने पड़ेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है और एसिक मशीन क्या होता है। एसिक मशीन का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी एसिक मशीन सिर्फ एक ही एल्गोरिदम पे चल सकती है, वो जिस एल्गोरिदम के लिए बनी हुई हो। सपोज वो ईथैश एल्गोरिदम की बनी हुई होगी तो वो ईथैश एल्गोरिदम पे ही चलेगी। ईथैश एल्गोरिदम पे जितने भी कॉइन होंगे उस पे। सपोज वो SHA-256 एल्गोरिदम की बनी है तो SHA-256 एल्गोरिदम पे जितने भी कॉइन्स होंगे वो माइन कर सकते हैं। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? हर एक कॉइन जो माइनेबल होता है, ऐसे बहुत सारे कॉइन नॉन माइनेबल भी होते हैं जैसे ट्रॉन, कार्डानो, रिपल, ये सब नॉन माइनेबल कॉइन है। बाइनेंस चेन, ये सारे बाइनेंस कॉइन, ये सारे नॉन माइनेबल कॉइन्स हैं। तो जो भी माइनेबल कॉइन्स होते हैं जैसे बाप ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, बिटकॉइन का एल्गोरिदम है SHA-256। बिटकॉइन के बाद लाइट कॉइन, लाइट कॉइन जो चलता है वो स्क्रिप्ट एल्गोरिदम पे चलता है। इथेरियम है, इथेस एल्गोरिदम पे चलता है। रिविन है, खपाओ एल्गोरिदम पे चलता है। बीम है जो कॉइन, वो बीम हैश एल्गोरिदम पे चलता है। ऐसे जो भी कॉइन्स होते हैं उनका एक एल्गोरिदम होता ही है जिसपे वो चलते हैं। ऐसे ही डोज कॉइन जो चलता है वो स्क्रिप्ट एल्गोरिदम पे चलता है। SHA-256 जो एल्गोरिदम है, SHA-256 वो जो एल्गोरिदम, वो सिर्फ बिटकॉइन पे नहीं है। SHA-256 एल्गोरिदम पे बहुत सारे कॉइन्स हैं। सेम वे स्क्रिप्ट एल्गोरिदम पे बहुत सारे कॉइन्स हैं। इथैश जो कि इथेरियम का एल्गोरिदम है उस पर बहुत सारे कॉइन्स हैं। हर एल्गोरिदम पे दो चार या उससे भी बहुत सारे ज़्यादा कॉइन्स होते ही हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉइन्स है वो SHA-256 पे है और स्क्रिप्ट पे है। तो इनकी एसिक मशीन सबसे ज़्यादा है। अभी जो डॉज कॉइन का जो एल्गोरिदम है स्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने बताया कि स्क्रिप्ट एल्गोरिदम आप अपने ग्राफिक कार्ड पे चला तो सकते हो, उस पे इतनी स्पीड नहीं आएगी। सपोज़ आपके पास एक 3070 है, आप उसको स्क्रिप्ट एल्गोरिदम पे चला रहे हो तो आपको उसमें दिन का 5 रुपया मिलता है। वही 3070 आप अगर इथेरियम पे चला रहे हो तो सपोज़ आपको दिन का 200 रुपया मिल रहा है, तो आप स्क्रिप्ट एल्गोरिदम चला के डोज कॉइन क्यों माइन करोगे? हाँ, आप इथेरियम माइन करके आप उसको डोज कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप अपने ग्राफिक कार्ड से स्क्रिप्ट एल्गोरिदम, कोई भी स्क्रिप्ट एल्गोरिदम पे कॉइन होगा वो वर्थ इट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट जो एल्गोरिदम है उनका डोमिनेंस है एसिक मशीन। बिटकॉइन के केस में भी क्या हुआ था, बिटकॉइन सबसे पहले जो माइनेबल हुआ था वो ग्राफिक कार्ड से माइन होता था। धीरे 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 उस पर हैश स्पीड इतनी बढ़ने लगी कि उस पर धीरे धीरे एसिक मशीन्स का पूरा डोमिनेंस आ गया। पूरा मार्केट अभी बिटकॉइन के एल्गोरिदम का एसिक मशीन से, मतलब अभी भी अपना जो एल्गोरिदम है बिटकॉइन का, जो एल्गोरिदम है SHA-256, वो आप अपने ग्राफिक कार्ड पे चला तो सकते हो लेकिन उस पर इतनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी ही नहीं कि आपको कुछ मिले। जितना तो आपको रिवॉर्ड्स नहीं आएंगे उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा तो आप लाइट का बिल भरोगे वो कार्ड चालू रख के। इसके लिए SHA-256 का जो एल्गोरिदम का पूरा डोमिनेंस है वो एसिक मशीन पे है। ऐसे ही स्क्रिप्ट का जो पूरा डोमिनेंस है वो एसिक मशीन पे है। जैसे कि वो बताया, ये भी आप अपने ग्राफिक कार्ड पे रन तो कर सकते हो पर कुछ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी। ऐसे धीरे 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 बहुत सारे कॉइन्स के साथ हुआ ही है। जैसे एक एल्गोरिदम था इक्वी हैश, जब मैंने 2017 में चालू किया था तब वो ग्राफिक कार्ड से माइन होता था। आज भी इक्वी हैश एल्गोरिदम आप अपने ग्राफिक कार्ड पे रन तो कर सकते हो, लेकिन बीच में जब उनकी एसिक मशीन्स आ गई तो एसिक मशीन्स क्या करती है कि इतनी हैश स्पीड दे देती है कि उनके सामने ग्राफिक कार्ड जो चालू रखते हैं उनको कुछ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है। बट हम आज इस वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो भी आपको अगर डॉज कॉइन माइन करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? हम डॉज कॉइन माइन करेंगे unminable.com से। unminable.com क्या करता है, आप उसको अपनी इथेरियम की स्पीड सेंड करते हो, वो माइन इथेरियम ही करता है, वो आपको कन्वर्ट करके डॉज कॉइन में दे देता है। डॉज कॉइन ग्राफिक कार्ड से माइनेबल नहीं है। अभी ये माइनेबल भी है लेकिन नॉन माइनेबल भी है, मतलब ग्राफिक कार्ड से। क्यों? जैसे मैंने बताया, आप वो स्क्रिप्ट एल्गोरिदम चला तो सकते हो पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो क्यों ना हम इथेरियम वाला एल्गोरिदम चलाएं? अगर हमको डोज कॉइन चाहिए तो इथेरियम वाला एल्गोरिदम चला के हम उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया unminable.com यही करता है, वो आपकी इथेरियम की स्पीड लेके उसको डोज कॉइन में कन्वर्ट करके देता है। तो चलिए चलते हैं पीसी स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप unminable.com को कन्फिगर कर सकते हैं और आप माइन कर सकते हैं डॉज कॉइन अपने ग्राफिक कार्ड से। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक अ चैनल स्पॉन्सर पाई प्लस। पाई प्लस से आपको माइनिंग से रिलेटेड सारी एक्सेसरीज मिल सकती है, जैसे कि हुए राइजर्स, पावर सप्लाई के सिंक्रोनाइजर्स,
HDMI dummy plug, 1x to 4x PCI splitters, all sorts of splitters cables and many more. Pi Plus से कुछ भी order करने के लिए आप उनके Amazon store पे जा सकते हैं या फिर आप उनसे WhatsApp पे direct भी order कर सकते हैं. उनके Amazon की link और उनके WhatsApp का number नीचे description में होगा. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं What to Mine वेबसाइट. इस पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉइन के क्या क्या एल्गोरिदम रहते हैं. आप यहाँ पर कॉइन्स पे आओगे, यहाँ पर आप कोई भी कॉइन का नाम लिखोगे या कोई भी एल्गोरिदम का नाम लिखोगे. सपोज कोई कॉइन का नाम लिखोगे तो वो कौन से एल्गोरिदम पे चलता है वो पता चल जाएगा, या फिर कोई एल्गोरिदम का नाम लिखोगे तो उस एल्गोरिदम पे कौन से कॉइन्स है वो पता चल जाएगा. हम इस केस में क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट एल्गोरिदम पे कितने कितने कॉइन्स है. तो हम लोग ने लिखा स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट पे करंटली इतने सारे कॉइन्स है. ऐसे तो इससे भी ज़्यादा बहुत सारा है, लेकिन व्हाट टू माइन पे जितने लिस्टेड है वो ये है. इसमें से एक है डोज कॉइन. सपोज आप डायरेक्ट डोज भी लिखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा डोज कॉइन. वहाँ पर अंदर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर सबसे पहले लिखा होगा कि कौन से एल्गोरिदम पे ये कॉइन माइन करता है. और इसी वेबसाइट में आप यहाँ पर आओगे माइनर्स पे, तो यहाँ पर सारे जो भी सारे एसिक मशीन्स हैं उनकी पूरी लिस्ट है कि अब तक कितने कितने एसिक मशीन निकल चुके हैं. ऐसे तो और भी थोड़े जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर हम डोज कॉइन के लिए देखें, डोज कॉइन के लिए कौन सा एल्गोरिदम है, स्क्रिप्ट एल्गोरिदम. तो हम स्क्रिप्ट एल्गोरिदम के लिए देख लें, जो करंटली मोस्ट प्रॉफिटेबल एसिक मशीन है वो है इनसिलिकॉन का A6 प्लस LTC मास्टर. एक्चुअली जो सबसे पहला कॉइन था स्क्रिप्ट एल्गोरिदम पे वो लाइट कॉइन था, तो सारे जो एसिक मशीन बने थे स्क्रिप्ट एल्गोरिदम पे वो लाइट कॉइन के लिए ही बने थे. ये तो डोज कॉइन अभी बहुत प्राइस में बढ़ गया है, नहीं तो इसके पहले इन सारी मशीन्स की भी कोई इतनी वैल्यू नहीं थी क्योंकि लाइट कॉइन इतना प्रॉफिटेबल नहीं था माइन करना. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये माइनर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ देता है. अभी हमारा ग्राफिक कार्ड इतना हैश पावर दे ही नहीं पाएगा स्क्रिप्ट एल्गोरिदम पे. तो अभी हम देख लेते हैं कि डोज कॉइन की माइनिंग करनी कैसे है. तो डोज कॉइन माइन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक डोज कॉइन की एड्रेस जहाँ पर आपको माइन किया हुआ डोज भेजा जाए. इस केस में मैं बाइनेंस वेबसाइट का एड्रेस ले रहा हूँ. आप कहीं का भी एड्रेस ले सकते हो जहाँ पर भी डोज कॉइन का एड्रेस अवेलेबल हो. बाइनेंस पे आप जाओगे, बाइनेंस पे डोज कॉइन सर्च करोगे, वहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको आपकी डिपॉजिट एड्रेस मिलेगी फॉर डोज कॉइन. नेक्स्ट हमको डाउनलोड करना है टी रेक्स माइनर. डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम में जाना है, T-Rex माइनर सर्च करना है. शायद आपके पास हमेशा ऐसे पहली लिंक और कोई आ जाए तो वो पहली लिंक पे क्लिक नहीं करना है. आपको देखना है वेबसाइट कौन सी है, T-Rex-Miner होनी चाहिए. बाकी सारी फेक हो सकती है, और कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो सकता है. आपको क्लियरली देखना है वो T-Rex-Miner हो. वहाँ पर क्लिक करोगे, डाउनलोड्स के सेक्शन में जाओगे, आपको वहाँ पर जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उस टाइम पर आप वो यहाँ पर क्लिक करोगे और आपका डाउनलोड हो जाएगा. मेरे इस PC में पहले से ही डाउनलोड है तो मैं इसके लिए वो डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ. T-Rex माइनर कभी कभी विंडोज़ डिफेंडर डाउनलोड नहीं करने देता है. विंडोज़ डिफेंडर या विंडोज़ को कभी कभी लगता है कि वो वायरस है, तो वो हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये फोल्डर एक्सक्लूड करना पड़ेगा. विंडोज़ को बोलना पड़ेगा कि ये फोल्डर्स में मैं जो भी डाउनलोड करूँ आप वो चेक नहीं करो. वो हटाने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है. सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर विंडोज़ एंड सिक्योरिटी अपडेट एंड सिक्योरिटी दिखेगा, वहाँ पर विंडोज़ सिक्योरिटी दिखेगा. उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन. वहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा मैनेज सेटिंग्स. मैनेज सेटिंग्स पे भी थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा एक्सक्लूजन. यहाँ पर ऐड एंड रिमूव एक्सक्लूजन पे क्लिक करना है, और ऐड एक्सक्लूजन पे फोल्डर पे क्लिक करके कोई भी फोल्डर, सपोज ये डाउनलोड का फोल्डर है, वो सिलेक्ट कर देना है. तो इस फोल्डर में जो भी हम लोग कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो विंडोज सिक्योरिटी उसको चेक नहीं करेगा. उसके अंदर अगर वायरस भी होगा तो भी वो डिलीट नहीं करेगा. उसके बाद आपको चाहिए MSI Afterburner. MSI Afterburner डाउनलोड करने के लिए आपको सेम क्रोम में जाना है, सर्च करना है MSI Afterburner, और उसकी जो पहली वेबसाइट आएगी ऑफिशियल www.msi.com, तो वहाँ पर Afterburner पे क्लिक करके यहाँ पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड Afterburner. मेरे PC में जैसे ये पहले से इंस्टॉल है तो मैं ये फिर से डाउनलोड नहीं कर रहा. MSI Afterburner की एक जो घटिया बात मुझे लगती है ना, पहले पता नहीं दूसरी स्क्रीन लगती थी, अभी हर MSI Afterburner में पहले ये वाली स्क्रीन आ जाती है, ये वाली स्किन आ जाती है. आपको ये स्किन चेंज करने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है.
यहाँ पर एकदम एंड में लिखा होगा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस पे कोई भी दूसरा सिलेक्ट कर देना। मुझे जो सही लगता है वो इनमें से MSI के ये बहुत सारे जो ये डिफॉल्ट स्किन जो पहले रहते थे वो है। इस स्किन से मैं यूज टू हूँ जो, तो इसके लिए क्या जो न्यू वाला आ जाता है तो वो मुझे इतना सही नहीं लग रहा है। MSI Afterburner भी डाउनलोड हो गया, उसके बाद आपको जाना है unmineable.com पे। यहाँ पर आप आ जाओगे unmineable.com पे। unmineable.com क्या करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो आपकी ETH की स्पीड लेके, ethereum की स्पीड लेके आप इसमें से कोई भी कॉइन सिलेक्ट करोगे उसमें वो कन्वर्ट करके देता है। करंटली जो आप देख रहे हो इस पे क्लियरली ये भी लिखा है कि सपोर्टेड एल्गोरिदम्स वो है ETH जो कि इथेरियम का एल्गोरिदम है, ETC है जो कि इथेरियम क्लासिक का एल्गोरिदम है, रैंडम मैक्स जो कि CPU पे चलता है, प्रोसेसर पे चलता है, ये मोनेरो का एल्गोरिदम है, और खफाओ जो कि एल्गोरिदम है रेवन कॉइन का। इन चारों में से कोई भी स्पीड अनमाइनेबल पे सेंड कर सकते हो, और यहाँ पर आपको जिस भी कॉइन में चाहिए आपको वो आपको सिलेक्ट कर सकते हो, आपको वो उसमें कन्वर्ट करके देगा। इस केस में हम कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, डोज कॉइन, तो आप यहाँ पर डोज कॉइन पे सिलेक्ट करोगे। और इस वेबसाइट पे आपको क्या चाहिए, ये ग्लोबल सर्वर की एड्रेस जो कि है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगी। हमको पेस्ट क्या करनी है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जो आपने T-Rex डाउनलोड किया हुआ है उसमें से कोई भी एक फाइल ओपन करनी है, इथेरियम वाली, ETC वाली नहीं, ETH वाली, ETH वाली कोई भी एक फाइल ओपन करनी है। इस केस में हम लोग ये वाली ओपन कर लेते हैं, ETH माइनिंग पूल हब वाली। उस पर राइट क्लिक करना है। उस पर राइट क्लिक करने के बाद आपने जो वो सर्वर अभी कॉपी किया जो कि था ये, जो कि ये ग्लोबल सर्वर एड्रेस आपने कॉपी किया, ये आपको पेस्ट करना है यहाँ पर। ये O के पास जो भी लिखा हुआ है वो पूरा यहाँ 5 तक लेके वो यहाँ पर कर देना है पेस्ट। उसके बाद आपको ये जो -u लिखा हुआ है वहाँ पर स्पेस देके लिखना है कैपिटल में DOGE, फिर कॉलन डालना है, ये जो दो डॉट्स रहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डोज कॉइन की एड्रेस पेस्ट करनी है। इस केस में हम कौन सी डोज कॉइन की एड्रेस ले रहे थे, बाइनेंस की, तो बाइनेंस पे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमको एक डॉट करना है और कोई भी हमारे PC का नाम दे देना है, PC इन द सेंस वर्कर का नाम, हम जो भी नाम देना चाहते हैं। जैसे इसको मैं नाम देता हूँ मेन PC, तो मैं लिखूँगा मेन PC। और इसके बाद आपको हैशटैग लिख के मेरा रेफरल कोड लिखना है। रेफरल कोड लिखना ज़रूरी नहीं है, आप लिखोगे तो आपको जो अनमाइनेबल 1% फीस लेता है उसके जगह 0.75% ही फीस लेगा। मैं मेरा रेफरल कोड नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ से भी आप चाहिए तो कॉपी कर सकते हैं। हैशटैग के बाद आपको वो पेस्ट कर देना है और ये जो भी लिखा हुआ है, जिसका भी नाम लिखा हुआ है, वो डिलीट कर देना है। एंड डिलीट में ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका ये खत्म हो रहा है उसके बाद सिर्फ एक ही स्पेस होना चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट -p यानी पासवर्ड X। ये कोई वैसे भी मतलब का नहीं है पर ये पढ़ा रहे तो कोई बांधा भी नहीं आता। फिर हमको ये बैच फाइल कर देनी है सेव और इस बैच फाइल को करनी है रन। बैच फाइल रन करने से पहले मैं मेरी ओवरक्लॉक सेटिंग दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं 3060 यूज़ कर रहा हूँ तो उस पर मेरी पावर लिमिट जो दी हुई है वो 72 दी हुई है, जो टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ है वो 76 दिया हुआ है, जो कोर क्लॉक दिया हुआ है वो -500 दिया हुआ है, जो मेमोरी क्लॉक दिया हुआ है वो +1100 दिया हुआ है, जो फैन स्पीड दिए हुए हैं वो 80% दिए हुए हैं। मैं 3060 पे मेमोरी क्लॉक पे +1200 भी जा सकता हूँ, बट 1100 के ऊपर जाने के बाद 3060 बहुत क्रैश होता है, तो एक आधा स्पीड कम हो लेकिन स्टेबल रहे वो ज़्यादा सही है। तो हम लोग जो हमारी बैच फाइल बनाई थी, इस केस में हमने बनाई थी ETH माइनिंग पूल हब वाली, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा माइनर रन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को करंटली 47.87 की स्पीड आ रही है, ये मेरे को ETH की स्पीड आ रही है। अनमाइनेबल मेरी ETH की स्पीड ले रहा है और मैंने जिस स्पीड, जिस कॉइन में मैंने सिलेक्ट किया होगा उसमें मेरे को कन्वर्ट करके देगा। आपको कितने कॉइन माइन हुए हैं या कहां तक आपका कलेक्शन पहुंचा है वो चेक करने के लिए आपको अनमाइनेबल पे एड्रेसेस पे क्लिक करना है, या तो फिर यहां पर भी लिखा होगा एंटर योर एड्रेस टू चेक योर स्टेटस, यहां पर भी आप अपना जो डॉज कॉइन का एड्रेस आपने डाला था वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे तो आपका माइनर स्टेटस दिखेगा कि करंटली कितना माइन कर लिया है या पेमेंट कितनी देर में आएगा। करंटली जैसे आप देख सकते हो मेरा माइनर तो डिटेक्ट कर गया है कि 48 MHz दे रहा है, लेकिन अभी तक कुछ जमा नहीं हुआ है, एक आधा सेकंड हुआ है, इतने में कुछ नहीं आएगा। मिनिमम पे आउट जो है वो 30 डॉज है, 30 डॉज आपका कलेक्ट हो जाएगा तो ही आपको आपकी एड्रेस पे पेमेंट मिलेगा। अभी देख लेते हैं क्या आपको डोज कॉइन माइन करना चाहिए आपके ग्राफिक कार्ड से, अगर आप जिस ग्राफिक कार्ड से इथेरियम माइन कर सकते हो
तो इसी में अनमाइनेबल के वेबसाइट पे ही जहाँ पर आप डॉज पे डॉज के पेज में जाओगे वहाँ पर इनका भी एक कैलकुलेटर है जो कि रफली एक एस्टिमेट बताता है कि आपकी कितनी स्पीड पे आपको कितने डॉज कॉइन मिलेंगे। हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या हम लोग को डॉज ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या डायरेक्ट इथेरियम ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। यहाँ पर हमको हमारे केस में कितनी मेगा हैश आ रही थी 48, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48, तो ये बोल रहा है कि हम आपको दिन में 7.5 के अराउंड डॉज कॉइन देंगे। तो 7.5 डॉज को हम लोग INR में कन्वर्ट कर लेते हैं कि कितना INR होता है। 7.5 इंटू डॉज की वैल्यू देख लेते हैं करंटली क्या चल रही है, वजीर एक्स पे देख लेते हैं, 24.5 ले लेते हैं, ठीक है, इंटू 24.5 तो ये एक 3060 पे करंटली 183 रुपीज़ के डॉज हमको डेली देगा। यही चीज़ हम लोग डायरेक्ट इथेरियम पे देख लेते हैं कि हम डायरेक्ट इथेरियम माइन करते हैं इसी स्पीड से 48 स्पीड से, तो हमको कितना इथेरियम मिलेगा। इस केस में हमको इथेरियम मिलेगा 0015, यही हम INR में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं, इनटू INR में इथेरियम की वैल्यू देख लेते हैं आज कितनी है, 186,500। तो आप देख सक रहे हो कि हमको डायरेक्ट इथेरियम माइन करने से 280 रुपीज़ मिल रहे हैं, जहाँ पर हमको वो डायरेक्ट माइन करने से मिल रहे थे 180 के अराउंड। तो इस केस में तो क्लियर है कि डायरेक्टली इथेरियम माइन करना ही ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आप इथेरियम माइन करो, ठीक है, इतना आपको सपोज इथेरियम जनरेट हो जाता है, उसको डायरेक्ट वजीर एक्स पे आके सेल करके उसी पैसे से आप डॉज खरीद लो। इसी पैसे से हम डॉज खरीद लेते हैं तो हमको कितना डॉज आ रहा है, 24.5 डिवाइड कर रहे हैं तो 11.4 डॉज आ रहे हैं, जहाँ पर हमको अनमाइनेबल कितने डॉज देगा, 7.5। एंड दूसरी एक मैं बात बता दूं, बहुत सारे जन ऐसे पूछते हैं जो ये मेरे को यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज $3 तो मुझे पूरे दिन में $3 तो नहीं आए हैं। ये एक रफ एस्टिमेट होता है, इसमें 19-20 चलता ही है, 19-20 चलता ही नहीं, 19-20 होता ही है, फिक्स $3 आपको कभी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो फिक्स $3 तो नहीं आएंगे कभी। $3 वैसे होते कितने हैं देख लें, सपोज 225, ठीक है, तो 225 से कम भी आ सकते हैं, कभी 225 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको पता चल गया होगा कि डोज कॉइन की माइनिंग कैसे करनी है विथ योर ग्राफिक कार्ड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।